यो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गबरू गेड़ी बात। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी व्यूवर्स को नेशनल यूथ डे की ढेर सारी बधाइयां। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि करीब दो महीने के टूर के बाद कल मैं वापस लखनऊ आया तो मुझे पता चला कि नेशनल यूथ फेस्टिवल लखनऊ में सेलिब्रेट किया जा रहा है, जो कि स्वामी विवेकानंद की जयंती पर हमेशा सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। तो लखनऊ में 23वीं नेशनल यूथ फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है, जो कि इंदिरा गांधी वेन्यू है, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान। सो फ्रेंड, मैं आप लोग बता दूं कि मैं 9 बजे ही निकल जाने वाला था, बट काफ़ी लेट, ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, 9:30 अभी बज चुके हैं, तो धूप भी अच्छी खासी खिल चुकी है। तो फटाफट चलते हैं इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, वहाँ पर आपको चल के सारी बातें बताते हैं। फ्रेंड्स, आप मेरे पीछे देख सकते हो कि अभी सारे स्टेट की यहाँ पे झांकियाँ निकली है, बहुत ही प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर
मन को बिल्कुल मोह लेने वाली झांकियां थी, बहुत ही मज़ा आ गया यार। और अगर आप लोग आज के दिन नहीं आ पाए हो तो अभी ये फेस्टिवल 12 से लेकर 16 जनवरी तक चलने वाला है, तो आप लोग अगर लखनऊ में हो तो आप लोग जरूर विजिट करो यार, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, मज़ा आ जाएगा आप लोग को। आ चुके हैं राइट नाउ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के अंदर, और यहाँ पे जस्ट उसी समय में केंद्रीय खेल एवं युवा मंत्री किरण रिजिजू आने वाले हैं। इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पे आने वाले हैं और इस कार्यक्रम को इनॉग्रेट करने वाले हैं। तो आप देख सकते हो कि पूरी सीट यहाँ पे लगी हुई है और आगे की कुछ सीटें भर भी गई हैं, और बहुत ही खूबसूरत सजाया गया है यार पूरा ये इंदिरा गांधी जो प्रतिष्ठान है, बहुत ही खूबसूरत सजाया गया है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि यहाँ पे अलग अलग स्टेट के अलग अलग स्टॉल लगाए गए हैं, साथ ही फूड कोर्ट भी है, और अलग अलग स्टेट के अलग अलग स्टॉल में आप लोगों को अलग अलग कल्चर की अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। मतलब मैंने अलग अलग यार इतना बोल दिया कि आप लोग अलग को कॉमन कर लेना, बाकी आप चीज़ें पूरा जोड़ लेना। तो आप देख लो ये पूरा फूड कोर्ट के साथ ही यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं, तो आप यहाँ पे आओ और इन्जॉय करो। अब कार्यक्रम यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है और माननीय अवस्थी जी सबसे पहले परफॉर्म कर रही हैं और यूपी का जो कल्चर है यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो अब धीरे धीरे सारे स्टेट के यहाँ पे इसी तरीके से कल्चर और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत होंगे। तो हमको जी थोड़ा सा काम है तो हम निकल रहे हैं अपने आप घर की ओर। बाकी आप लोग को ब्लॉग कैसा लगा आप लोग जरूर बताना, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो ब्लॉग को आप लोग लाइक जरूर कर देना, इसके साथ अपने सभी फ्रेंड्स साथ खासकर जो कि लखनऊ में प्रॉपर रह रहे हैं उनके साथ आप लोग जरूर शेयर कर देना। और अगर आप लोग को इसी तरह अच्छे अच्छे ब्लॉग पसंद है तो आप लोग मेरे चैनल कर लेना सब्सक्राइब, इसके साथ बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।